हरे कृष्णा। तो कॉर्ड सीखने के साथ साथ अब समय आ चुका है कि आप कीर्तन कुछ सीखें, कुछ गा के बजाना सीखें। तो हम बहुत ही सिंपल ट्यून्स के साथ स्टार्ट करेंगे। आइए देखते हैं। तो सी स्केल पकड़ेंगे हम, क्योंकि इसकी सी स्केल सबसे आसान स्केल है और सारी कीज वाइट पे ही होती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। मैं प्यार से दबा रहा हूँ, है ना। तो सी स्केल में एक सिंपल हरे कृष्णा ट्यून, श्रीला प्रभुपाद की जो फेमस ट्यून है, उसको गाना सीखेंगे और बजाना सीखेंगे। देखिए, मैंने कौन सी की पकड़ी है, सी डी ई। तो आप डायरी में नोट कर लीजिए कि ई की से शुरू करना है, ठीक है। आप साथ में गाएंगे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझना जरूरी है, जो कीर्तन गा रहे हैं हम, अब ये जो ट्यून से कौन सी की कहाँ दबानी है, कितनी बार नो मेरे से पूछा जाता है कि हरे पे क्या दबाना है, कृष्णा पे क्या दबाना है, फिर हरे पे, इस तरह से नहीं चलता है। वर्ड्स के हिसाब से नहीं चलता है म्यूजिक, लिरिक्स के हिसाब से नहीं चलता है, ट्यून के हिसाब से चलता है, कैसे आपका स्केल आगे पीछे जा रहा है। यानी कि हरे हरे क्रे, तो हरे हरे एक ही है, यही आपको अपना कान डेवलप करना है। हरे मतलब एक ही की दबेगी, कृष्णा 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 ऊपर चला गया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो वर्ड्स के हिसाब से नहीं जाएगा, आपको ट्यून देखना है कि ट्यून कैसे ऊपर नीचे जा रही है। हालांकि ये एक सिंपल ट्यून है, इसलिए इसमें वर्ड्स के हिसाब से ट्यून ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन ये आगे बिल्कुल फॉलो नहीं होगा। तो ट्यून कैसे ऊपर नीचे जा रही है, आपको उस चीज पे ध्यान देते हुए कीज को आगे पीछे करना है। तो चलिए मेरे साथ आप हरे कृष्ण मंत्र की ट्यून को प्रैक्टिस करेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, देखा आपने, हरे हरे, ह पे अलग की दबी, रे पे अलग की दबी, लेकिन आगे जो कृष्णा आ रहा है वो पूरा इस पे ही रह जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, फिर से ई पे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, ठीक है। तो ये सिंपल सा हरे कृष्ण मंत्र आप धैर्य रखकर प्रैक्टिस कीजिए, और साथ में इसी पे ही आप दूसरा कीर्तन गा सकते हैं। सेम हरे कृष्ण मंत्र गा लिया, इस पे आप गा लीजिए, जय राधा माधव राधा माधव राधे, वापस दिखा रहा हूँ, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय निताय गौरंग निताय गौरंग निताय गौरंग निताय गौरंग प्रभुपाद 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरी भो। देखा आपने, तो इस आसान तरीके से आप हरे कृष्ण मंत्र गाइए
साथ में बजाइए और एंड में भगवान का गुणगान कर सकते हैं, भगवान का नाम लेकर, जय राधा माधव, जय राधा मदन मोहन, जय राधा गोपीनाथ, जय राधा श्याम सुंदर, जय राधा वृंदावन चंद्र, कुछ भी गा सकते हैं। निताय गौरंगा, लक्ष्मी नरसिम्हा, इस तरह से जय प्रभुपाद, हरि बोल, इसी ट्यून पर गाइए और साथ में बजाइए, प्रैक्टिस कीजिए। इससे आपका बहुत कॉन्फिडेंस लेवल अप होगा और आपको रियलाइज भी होगा कि हाँ मैंने क्या सीखा है, आपको खुद मजा आएगा। हरे कृष्णा।